इसी तरह कुछ लोगों की परेशानी रुपए पैसे में, बिजनेस में, जॉब में कमी की वजह से होती है। कभी लोगों को अपने खानदान वालों से बहुत शिकवे शिकायत होते हैं, वालदैन से शिकायतें होती हैं, फिर शौहर ऐसा मिल गया, फिर बच्चे वैसे हो गए, फिर बहन भाई ऐसे हैं, फिर रिश्तेदार ऐसे हैं, जमाना ही ऐसा है, लोग ही ऐसे हैं, कोई भी अच्छा नहीं, सभी से बददिल, सभी से मायूस, कोई तवज्जो नहीं देता, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, यानी इस किस्म की बातों में खोए रहते हैं। कुछ लोगों को अल्लाह का शुक्र है कि सेहत का भी मसला नहीं होता, रिश्तेदारों का भी, इनमें से उतना माली बस सब नेमते हैं, वो पूरी दुनिया को अपने सर पर बैठा दे, किस मुल्क की में क्या हो रहा है उसकी खबरें सुन, उसकी सुन, रहते यहाँ है 20-20 साल से पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान के हालात पे इतने दुखी और इतने गमगीन रहते हैं कि जैसे उनके इस दुख और गम की वजह से सारे हालात ठीक हो जाएंगे। जिस महफिल में बैठेंगे वहां पॉलिटिक्स डिस्कस करना शुरू कर देंगे, और मुस्तकिल ऐसा लगता है कि जैसे वही सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं इन सारी चीजों में, हालांकि इन सारी बातों का उनकी जात से कोई खास ताल्लुक नहीं है। जब आप किसी मुल्क में रहते नहीं हैं तो उसके गम पालने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला। तो याद रखिए, खुशी या मुसीबत पहुंचने पर अपने रवैये, अपने रिएक्शन को देखा करें कि मैं उस पर रिएक्ट किस तरह करती हूँ, और फिर और उस रिएक्शन के बाद व्हाट नेक्स्ट, मैं क्या करती हूँ। यानी मिसाल के तौर पर शौहर की कोई बात बुरी लगी, उसके साथ गुस्से से रिएक्ट किया, उसके बाद उसका भी मूड ऑफ हो गया, आपका भी हो गया, अब सारा दिन कोई बोल चाल, अब सारा दिन अपने आप को खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। अब आपको करना क्या चाहिए? अब आप सोचते हैं कि अब ये हालात ठीक कैसे हो, कि कुछ मर्द हजरात तो एक दफा नाराज हो जाए तो फिर दिन ही लग जाते हैं उनको वापस लौटने में, तो फिर आपको ये परेशानी लगती है कि अब पता नहीं किस दिन घर का माहौल ठीक होगा, और फिर अभी ठीक हो नहीं रहता कि फिर दोबारा कोई मसला पेश आ जाता है। तो जरूर सोचें कि कहीं मेरी वजह से तो नहीं ये होता, कहीं मैं तो इसका सबब नहीं, कहीं मैं तो इसको ओवर रिएक्ट नहीं कर जाती। क्योंकि दो चॉइसेस होती हैं आपके पास, एक ये कि आप किसी ऐसी सिचुएशन को जो आप पसंद नहीं करते उसको इग्नोर कर जाएं, वहां से हट जाएं, वहां से निकल जाएं, कोई बात बुरी लगी है तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लें, जबान से कुछ नहीं निकालें। ठीक है, आपके चेहरे पर तो जरूर आएगा कि आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप अपना मुंह ज़िप करके बाहर निकल जाते हैं तो आपके लिए आइंदा आसानी हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद वो धुआं छट जाएगा और हालात नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस वक्त वहां बोल पड़ते हैं और ऊंची आवाज से बोल देते हैं और नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, तो वक्ती तौर पर तो आपका गुस्सा जो है वो निकल जाएगा, लेकिन उसका खमियाजा लॉन्ग टाइम तक भुगतना पड़ेगा। और फिर अगर एक इंसान रिपीटेडली ऐसी हरकत करता है तो वो बदनाम भी हो जाता है, ये तो है ही ऐसे, इससे तो यही तवक्को रखनी चाहिए। तो अगला जो आप अपनी डायरी में जाके लिखेंगे या किसी कागज पर, वो ये कि खुशी या मुसीबत के पहुंचने पर मेरा रवैया क्या होता है, और फिर यहीं से आप निकाल सकते हैं कि मेरा रवैया क्या होना चाहिए। आप उस पेपर को यूं देखें कि जैसे ये किसी की बात लिखी हुई है कि उसने खुशी या गम के मौके पर ये रवैया अख्तियार किया, तो आप कहेंगे है इसका दिमाग सही है, ऐसा क्यों किया। यानी आपको अपना रवैया खुद ही दुरुस्त नहीं लगेगा। उसके बाद यह है कि जब कोई मामला खराब हो जाए, जब हालात परेशान कुन हो जाए, तो फिर आप अपने काबिले एतमाद लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, उस मामले का हल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाला जिसको आप अपनी कहानी सुना रहे हैं, अगर वो आपको आईना दिखाने की कोशिश करे कि ये गलती है दरअसल आपसे शुरू हुई है, तो उसको अपने ऊपर एक हमला ना समझे, उसको उसकी खैरख्वाही समझे कि ये शख्स मेरा हमदर्द है, क्योंकि आपने पहले उस पर ट्रस्ट किया, इसीलिए तो आप उसके पास गए। तो ट्रस्ट वर्दी शख्स को फिर ट्रस्ट ही करें, उसकी किसी बात को माइंड ना करें, उसकी बात को पर्सनल ना ले लें कि ये तो है ही ऐसा। और फिर ये बाज़ुकात लोग अनजस्ट भी होते हैं, सही बात नहीं भी कर रहे होते, लेकिन वो अपने तजुर्बात से बात कर रहे होते हैं, ये उनके एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ होते हैं जिनकी रोशनी में वो आपको मसाइल का हल बता रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो उसमें सबसे पहली बात ये, यानी आपको आपको मसला पेश आया, अब आप किसी के पास गए, आप मसला बता रहे,
सबसे पहले तो अपने आप को काम डाउन करें, मसला बताते हुए जज्बाती ना हो, अपने जज्बात को एक तरफ रख दें। क्योंकि बहुत से लोग जब मसला बताते हैं तो या रोने लगते हैं या फिर काफी देर तक वो उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने कहना क्या है। दूसरों का वक्त भी बहुत कीमती होता है। जब आप किसी के पास कोई मसला लेकर जाएं तो पहले घर से होमवर्क करके जाएं कि मैंने क्या लेके जाए, क्या पूछने के लिए जाना है। ये नहीं कि उसके पास बैठ के बार बार ये कहें मैं तो बहुत कुछ सोच के आई थी लेकिन मेरे दिमाग से सब कुछ उड़ गया है, उड़ गया है। तो इस तरह की बातें ना करें, बल्कि अपना वक्त भी इस्तेमाल करें और दूसरे का भी करें। चाहे बहन ही हो आपकी, दोस्त हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो, पहले से होमवर्क करें कि मैंने कहना क्या है। और फिर जब आप उसके पास जाएं अपनी बात को अच्छे से बताएं और उसकी बात को पूरी तवज्जो के साथ सुने, बहुत अच्छे से सुने, बीच में उसकी बात ना काटें, बीच में ना बोले। जब वो बताने लगे, कुछ आपको समझाने लगे, चाहे आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक है या नहीं है, तो आप उसको सुन ले एक दफा, कोई और राय ना दे। फिर आप बैठ के उसकी नीयत पे शक ना करने लगे यानी कि इसकी नीयत ही खराब है, ये तो मेरा भला चाहता ही नहीं। क्योंकि दुनिया में कोई टूल ऐसा अभी तक इजाद नहीं हुआ जिससे किसी की नीयत परखी जा सके। इस मामले में भी और आम तौर पर भी किसी की नीयत को अटैक ना करें। जो भी इंसान है, जैसा भी है, उसके साथ उसके बारे में हुस्न ज़न रखें। अल्लाह सुब्हानहु ताला कुरान मजीद में बंदों को मायूस होने से मना फरमाता है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सुब्हानहु ताला सारे गुनाह यकीनी तौर पर माफ कर सकता है, वो माफ कर देगा। इसीलिए मायूसी को एक कबीरा गुनाह कहा गया और इसे गुमराह लोगों की सिफत कहा गया। वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला अद्दालून, और गुमराहों के सिवा कौन अपने रब की रहमत से नाउम्मीद हो सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान मायूसी का शिकार है तो सीधे रस्ते से हट गया। जो रास्ता अल्लाह सुबहानु तआला की तरफ जाता है और अल्लाह सुबहानु तआला की रहमत जिससे इंसान पाता है, तो ऐसी सूरत में इंसान ना उम्मीद नहीं हो सकता। ना उम्मीदी जो है ये अल्लाह ताला की बेअदबी की एक किस्म है, और अल्लाह ताला से मायूस होना अल्लाह ताला की सिफात का भी इनकार है, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होना जो है वो इंसान के अपने हक में सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह सुबहानु ताला अपने बंदों को मायूस होने से बचाता है, और उसके लिए बारिश की मिसाल दी जाती है कि वही है जो बारिश बरसाता है जबकि लोग नाउम्मीद हो चुके होते हैं, और अपनी रहमत को फैला देता है, और वही मदद करने वाला है और तमाम तारीफों के लायक है। इसी तरह एक हदीस कुदसी में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब अज्जा व जल्ला अपने बंदों की मायूसी पर हंसता है। हालांकि अगर बच्चे को पीछे ले जाए, थोड़ा सा पीछे की सीट पर ले जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा रब अज्जा व जल्ला अपने बंदों की मायूसी पर हंसता है, हालांकि हालात की तब्दीली करीब होती है। तो एक सहाबी है, उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रब अज्जा व जल्ला भी हंसता है, अल्लाह ताला भी हंसता है? तो आपने फरमाया हाँ। तो उन्होंने अर्ज किया, जो रब हंसता है हम उसके यहाँ खैर और भलाई को कम नहीं पा सकते, यानी फिर वो तो खूब खैर और भलाई को आम करने वाला है। सुफियान इब्ने उयैना कहते हैं, जिसने लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस किया या खुद अल्लाह की रहमत से मायूस हुआ, उसने दरअसल एक गलत काम किया। यानी ना तो किसी को मायूस करना चाहिए और ना खुद मायूस होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफर और हलाकत का सबब है, गुमराही की एक वादी है, और मायूसी में तबाही है। और मायूस होने वाले जो हैं वो फिर किसी काम के नहीं रहते, नेकी के काम में सुस्ती और कमजोरी आने लगती है। मायूसी से इंसान अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाता है और बाज़ औक़ात गुमराहियों की तरफ और गुनाहों की तरफ चल पड़ता है। बाज़ लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, बाज़ लोग नशे का शिकार हो जाते हैं, और इंसान प्रोडक्टिव नहीं रहता। मजबूरन जो दुनिया के काम करने पड़ते हैं, हत्ता के खाने पीने से भी गाफिल हो जाता है, उसको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, उसके दिल से सुकून उड़ जाता है,
سکینت ختم ہو جاتی ہے، بے قراری اور غم اس کی زندگی پہ چھا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک بگاڑ آ جاتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنا سیلف انالیسس کرے تاکہ وہ اس کنویں سے باہر نکلے، اس مصیبت سے باہر نکلے۔ ہم سب کے لیے کچھ سوال ہیں، میں سوال کرتی جاؤں گی، آپ اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ میں کیوں کیوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئی، کب ہوئی، کن کن مواقع پر میں پریشان ہوتی ہوں، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میرے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ آپ گھر جا کے ان سوالوں کو لکھ بھی سکتے ہیں، یعنی پہلے تو مرض کو ڈائگنوز کریں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے، میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، میں مایوسی میں چلی جاتی ہوں۔ دوسرا سوال یہ کہ پھر میں اس سے نکلنے کے لیے کیا کرتی ہوں، یعنی کیا میں اس میں جب گرتی ہوں تو پھر میں گری رہتی ہوں، یا میں باہر آنے کی کوشش کرتی ہوں، اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے، رونا دھونا یا شکوے شکایت کرنا، یا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آہوزاری کرنا، یا پھر کسی علم والے سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی سائیکیٹرسٹ سے، کسی دینی عالم سے رجوع کرنا۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے، لیکن دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو آزمایا نہ جائے۔ مثلا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کا شور، بچوں کا شور، یا کسی کا اونچا بولنا آپ کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سارا دن ڈسٹرب ہی رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کا اصول توڑنا، مثلا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں، وہ سٹاپ سائن پہ رکتے نہیں، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سپیڈ لیمٹ سے آگے چل پڑتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو وہی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ اتنے شوق سے کسی پکنک پہ جا رہے ہیں لیکن وہ جو راستے میں ٹریفک رولز توڑے جا رہے ہیں اور آپ ٹینس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی کسی کو آپ نے دیکھ لیا تو اب شامت آئی اور اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ، یعنی سارا وقت جو ہے وہ آپ کا ایک ٹینشن میں، ایک پریشانی میں، اور ایک خوف میں، اور ایک غم میں گزرتا ہے، حتیٰ کہ آپ نہ ریلیکس ہوتے ہیں، نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ ہنس سکتے ہیں، نہ خوش ہو سکتے ہیں، سارا وقت آپ کی نظر جو وہ سڑک پر لگی ہوئی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا۔ اس کے بارے میں پازیٹو سوچیں کہ یہ اچھا انسان ہے، انلیس کہ وہ کوئی ایسی چیز کرے تو اس معاملے میں اس کو ایکسکیوز کر دیں، لیکن چھوٹی موٹی غلطیوں سے یا کسی کی ٹنگ سلپ سے اس پہ ہنسنا نہ شروع کر دیں، یا اس کے بارے میں برا خیال نہ کریں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ گفتگو کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، تو اپنی نیت کو بھی ٹٹولیں کہ آپ کیوں مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ واقعی مسئلے کا حل چاہتے ہیں یا صرف کتھارسس چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مل جائے کہ جس کے سامنے اپنی کہانی سنائیں۔ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کو مسئلہ سناتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، اور اس سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ آپ اس بارے میں کیا کرتے ہیں۔ جب ساری کہانی سنا چکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس یہی تھا جو آپ کو بتانا تھا، آپ کو بتانا چاہ رہے تھے، اینڈ دیٹس اٹ، کہانی ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا غصہ دور ہو گیا، کوئی مشورہ ملے یا نہ ملے، اور اس نیت سے تو جاتے ہی نہیں کہ کوئی مشورہ ملے گا تو اس پہ عمل کرنا ہے، وہ تو صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بازو کا تھم جاتے، اور پھر ایک شخص کو بھی سنا کے تسلی نہیں ہوتی، کچھ باقی رہ جاتا ہے، پھر کوئی اور دوسرا پکڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس کو سناتے ہیں، کوئی تیسرا مل جاتا ہے اس کو سناتے ہیں، اور پھر اس طرح اپنے آپ کو مزید کنفیوز بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں بات طریقے سے کرنی ہے، جس سے بھی کرنی، ہمیں سے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ، اور پھر یہ ہے کہ اپنی رائے دوسروں پہ مسلط نہیں کرنی، بلکہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے دھیان لگانا ہے، اور اگر آپ کو دوسرے کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو شائستہ انداز میں اس سے سوال بھی کرنا ہے کہ آپ اپنی بات دہرا دیجئے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو غم، پریشانی، دکھ،
مایوسی سے نکلنے کے لیے کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، جو دوسروں سے صرف باتیں نہیں کرتے رہنا، اپنے آپ سے بھی کچھ بات کرنی. اپنے ایسے مواقع پر اپنے آپ کو ٹائم دیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے آپ کو کچھ سکھائیے. کیسے؟ نمبر ون، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. جو لوگ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں ان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس دنیا کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ وہ آگے کی دنیا کو دیکھتے ہیں. وہ یہاں کے غم بھلا دیتے ہیں آخرت کے غموں کے ساتھ، کیونکہ غم کا مقابلہ غم سے کرنا ہے. تو جب ان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو دنیا کی بہت سی فکریں سب سائڈ ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں. جب زمین کے اوپر رہنا مشکل لگتا ہے تو زمین کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ہیں قبرستانوں میں، جب ان کے بارے میں سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ زمین کے باہر رہنا، اوپر رہنا پرسکون لگے گا. رات کو اگر نیند نہ آئے اور خیالات ڈسٹرب کریں تو اپنی سوچ کا رخ موڑیں ان لوگوں کی طرف جو قبروں کے اندر ہیں اور ان کو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ مجھے تو اللہ نے اتنا اچھا کمرہ دیا ہے، اتنا اچھا گھر دیا ہے، اتنا کمفرٹیبل بیڈ دیا ہے، میرے لیے ہیٹنگ اور کولنگ کا انتظام ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں آخر کس بات پہ پریشان ہو رہی ہوں؟ تو یاد رکھیے، مشکلات اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کس کے ریاکشنز، کس کے ریسپانسز زیادہ اچھے ہیں. یعنی زندگی میں کام کاج کرتے ہوئے کسی بھی چیز، کوئی بھی کام، چاہے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، چاہے آپ کوکنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ لانڈری کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں میں انسان تھکتا ہے، انسان تھکتا ہے کام کرتے ہوئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اظہار نہیں کرتے، ان کا وقت بھی گزر جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں آج تو بہت تھک گئے، بہت تھک گئی. یعنی جو پاس بیٹھے ہوں گے وہ بیزار ہو جائیں گے سن سن کر آپ کی تھکاوٹ کی بات. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیں گے. پھر آپ بہت پریشان ہوں گے کہ یہ لوگ مجھے ٹائم نہیں دیتے، مجھے توجہ نہیں دیتے، میری بات نہیں سنتے. اصل میں آپ نے خود ہی بتایا ان کو ایسی باتیں کر کر کے جن کو نہ کر کے بھی گزارا ہو سکتا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البلد میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. اس دنیا میں انسان کے لیے ایک کے بعد ایک مشقت ہے. سوچئے جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، ماں کتنی مشقت سے جنم دیتی ہے، اور یہ مشقت صرف ماں کے لیے نہیں ہوتی، اس بچے کے لیے بھی ہوتی ہے جو دنیا میں آنے کے لیے پش کرتا ہے اور باہر کو آتا ہے. کتنی چھوٹی سی جگہ سے نکل کے آتا ہے وہ. اس مرحلے آپ میں سے جو لوگ اس پروسیجر سے گزر چکے ہیں، آپ سوچئے کہ وہ دن شاید زندگی کا سب سے مشکل دن تھا جب آپ نے بچے کو جنم دیا تھا، اور اس وقت آپ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں میں زندہ بھی رہتی ہوں کہ نہیں. ایسی صورت میں جب ہمارا آغاز ہی مشقت سے ہوا، آمد ہی تکلیف کے ساتھ ہوئی ہے، تو پھر اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں بھی مشکلات تو ہوں گی. ہمیں اس دن کا درد یاد نہیں، لیکن اگر آپ اپنی مدر سے پوچھیں تو وہ بتائے گی کہ دنیا میں آتے ہی آپ نے رونا شروع کر دیا تھا. کیوں رو رہے تھے بھائی؟ شیطان نے آنکھیں زور سے تھپڑ مارا. حدیث سے پتا چلتا ہے، میں اپنے پاس سے بات نہیں بتاتی، کہ ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے شیطان پہلے سے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے. اپنے رشتے دار تو باہر کھڑے ہوتے ہیں نا، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو باقی تو ماں باپ یا بہن بھائی باہر کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں، شیطان اندر پہنچا ہوا ہوتا ہے. اس لیے
जो बच्चियां भी बच्चों को जन्म देती हैं वो उस वक्त या तो कुरान की तिलावत सुनती रहें, या आयतल कुर्सी लगाएं, या अल्लाह का नाम जिक्र करें, खुद भी जिक्र करें अगर हिम्मत है, वरना जो आपके साथ हैं वो आप पर पढ़ के सुनाएं। या अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को नहीं भी पढ़ना आता तो अपने सेलफोन पे आप कुरान मजीद की सूरत कोई भी लगा दें, सूरत रहमान लगा दें, सूरत मरियम लगा दें, कोई भी सूरत लगा दें आप, सूरत ताहा लगा दें, आप उसको सुन सकते हैं। सूरत अल बकरा लगा दें, सूरत अल बकरा लगाने से शयातीन भागते हैं। तो बहरहाल उस वक्त शैतान आके बच्चे को ठोंगा लगाता है और फिर इंसान रोता है। और आपने देखा होगा कि जो बच्चा रोता नहीं है ना, डॉक्टर उसको क्या करते हैं, रुलाते हैं, उसको थपकाते हैं और रुलाते हैं। फिर आप देखिए कि आपको भूख लगी थी, आपको माँ के सीने से लगाया गया, माँ को तकलीफ होती, पहले बच्चे की दफा खास तौर पे और हर बच्चे की दफा जब वो दूध पिलाना शुरू करती है तो उसको तकलीफ होती, बच्चे को मुश्किल होती, शायद आपने दूध नहीं पिलाया, होती है ना, कितनी मुश्किल हो, उसको शक करना नहीं आ रहा होता, वो मुंह में रख के सो जाता है, उसको माँ हर वक्त जगाती है, उठो दूध पियो, क्योंकि जो बच्चे नहीं दूध पीते उस वक्त या उनको गजाइत पूरी नहीं मिलती तो क्या होता है, वापस हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। कितनी मुशक्कतों से बच्चा सही तौर पर कई दिन में दूध पीने के काबिल होता है और माँ की तकलीफ दूर होती है कि वो बच्चे को पिला सके। फिर आप देखिए कि आप खाना शुरू करते हैं, जब आप पहली दफा खाना खाते हैं या पहली दफा मिर्चें खाते हैं, यानी देसी बच्चे जो हैं उनके माँ बाप को लाजिम होता है कि वो बच्चों को बचपन में मिर्च खिलाएं ताकि बड़े होकर खा सके, तो आप देखिए कि कितना मुश्किल होती है, बार बार पानी पी रहे होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जब मैं छोटी थी तो 7 गिलास खाने के, 7 गिलास हर नवाले के बाद पानी, हर नवाले के बाद पानी, कितना नुकसानदेह है, लेकिन मिर्चें बर्दाश्त नहीं होती। बहरहाल फिर आप देखिए कि बोलना शुरू करते हैं, मुश्किल होती, कितनी मुश्किल होती है, बच्चे को कितनी दफा एक लफ्ज सुनाना पड़ता है, बार 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 बार, फिर वो सीखता है। फिर आप देखिए कि अल्फाज जोड़ते हैं, फिर जुमले बनाते हैं, फिर पैराग्राफ बनते हैं, लिखना शुरू करते हैं, मुश्किल होती, कोई कटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, मुश्किल होती है। फिर आप बच्चे को बिठाते हैं, कितनी दफा पटकता है, नीचे सर उसका लगता है जाके गिर जाता है, कभी उसको सहारे दे दे के बिठाते हैं, कभी कहीं बिठाते हैं, बैठने सीखने में, फिर क्रॉल करने में मुश्किल होती, फिर आप देखिए कि चलने में तो और मुश्किल है, हर चंद कदम के बाद बच्चा गिरता है, जब दौड़ने लगता है तो टकराता है चीजों से जा जाके। बचपन की मुशक्कतें हमें याद नहीं होती, वो तो हमारी माँ बर्दाश्त करती है ना सारी कुछ, जिसको फिर हम बड़े होके भूल जाते हैं और उसकी छोटी छोटी बातों को माइंड करते हैं। फिर स्कूलिंग, स्कूल जाने मुश्किल होती, कितनी मुश्किल, स्कूल जाने में बच्चे कितना रोते हैं, कितना तंग करते हैं, सुबह उठाने में जितने दिन स्कूल जाते हैं बच्चे, सुबह के घर में एक हंगामा होता है और बच्चों को छोड़ के आना, लेके आना, फिर इंसान सोचता है कि अब हाई स्कूल तक पहुंच गया, हाई स्कूल बड़ा मुश्किल है, फिर हाई स्कूल की ग्रेजुएशन हो गई, शुक्र है एग्जाम खत्म हुआ, समझते हैं कि शायद मुश्किल यहाँ खत्म हो गई, खत्म हो गई, फिर क्या होता है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, यूनिवर्सिटी के जितने भी साल है मुशक्कतों में गुजारे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते, असाइनमेंट्स करते और प्रोजेक्ट्स बनाते, फिर क्या हुआ, फिर अब उसके बाद जॉब चाहिए, डिग्री पे डिग्री ले चुके हैं, जॉब नहीं मिल रही, मशक्कत पे मशक्कत, खुदा खुदा करके जॉब मिली, अब शादी करना है, एक रिश्ता देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं, रिश्ता पसंद नहीं आ रहा, शादी को ताखीर हो रही, फिर एक और मशक्कत, शादी हो गई, अब सबकी नजरें लगी हुई है, बच्चा कब होता है, एक और मशक्कत, किस किस के सवालों का जवाब दें, किस किस का जवाब दें, यानी यंग गर्ल्स के ऊपर मुझे रहम आता है कि जिनको हर आंटी पूछने खड़ी हो जाती है कोई खुशखबरी, भाई जब कोई आएगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपने दुआएं करनी है, आप दुआएं करें, तो उसमें, और फिर खास तौर पर जिन औरतों को कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, एक से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मेरी एक बहुत ही समझदार स्टूडेंट थी और लिखती थी अखबारों में और बहुत काबिल, उनका एक बच्चे के बाद दोबारा से कोई कॉम्प्लिकेशन हो कि बच्चा पैदा नहीं हो सकता,
और वो इस बात से इतनी फ्रस्ट्रेट होती थी कि हर दूसरा बंदा उससे पूछ रहा होता था कि तुम और बच्चे क्यों नहीं पैदा करते, क्यों नहीं तुम्हारे बच्चे होते, क्यों नहीं होते। ये अल्लाह की मर्जी, जितने बच्चे दुनिया में आने ना उतने ही आने हैं, आप ज्यादा नहीं कर सकते बातें कर करके। और फिर जजमेंटल हो जाते हैं हम कि ये तो पैदा करना ही नहीं चाहती, ये तो बहुत आजाद ख्याल है, और ये तो बस चाइल्डलेस जिंदगी गुजारना चाहती। अपने पास से बातें, भाई आपको कहाँ से पता चल गया, आपने उसके उससे जाके कोई इंटरव्यू करके आए कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं। और अगर वो चाह अगर बफर्ज महाल वो चाहते भी है तो वो तो उसकी चॉइस है, फिर आपको गिबत करने से क्या मिलेगा, आपको बातें बनाने से क्या हासिल होगा। बहरहाल शादी हो जाती है कि मुश्किलात खत्म हो गई, शादी के बाद क्या होता है, कुछ दिन तो अच्छे गुजरते हैं, फिर तो वहां भी मुश्किलात शुरू हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग की मुश्किलात हो जाती है। आप देखिए कि तलाक की शरह शादी की शरह से ज्यादा है इस वक्त, उतनी शादियां नहीं होती जितनी तलाकें हो रही। एक दफा तलाक, दो दफा तलाक, तीसरी दफा तलाक, दोबारा शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहता हूँ, पुरसुकून होना चाहता हूँ, क्योंकि हम समझते हैं शादी हो गई, सेटल हो गए, पुरसुकून हो गए, बात खत्म, शादी हो गई। अब आप देखिए उसके बाद क्या, अब घर चाहिए, अब घर बनाने के लिए पैसे चाहिए, अब उसके लिए एक और मशक्कत शुरू हो गई। एक जॉब से काफी नहीं होता, दो जॉब चाहिए, तीन जॉब चाहिए, बीवी को भी काम करना है, सबको मिलकर करना है। मुश्किलात खत्म तो नहीं, घर बन गया, आप देखिए कि घर भी बन जाता है, लेकिन हर चीज है, फर्नीचर भी है, खाने भी हैं, सब, जिंदगी अच्छी हो गई, ज्यादा अच्छी जॉब मिल गई, रेल पेल हो गई हर चीज की, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब क्या मुश्किल खत्म हो गई, मुश्किल खत्म नहीं, मुश्किल नहीं खत्म, फिर क्या बच्चों के मसाइल, फिर उनकी शादी, फिर उनकी उनके बच्चों के मसाइल। चलिए ये तो जिंदगी ऐसे गुजरी, कहने का ये इतनी लंबी कहानी सब आपको पता है, याद दहानी कराने का मतलब ये है कि लकद खलकनल इंसान फी कबक, इंसान मशक्कतों में पैदा हुआ, इसलिए जिंदगी को फूलों की सेज ना समझे, जिंदगी में सिर्फ खुशियां मत तलाश करें, अपने आप को स्ट्रांग करें ताकि आप मसाइल से निपट सके, आप मुश्किलात को फेस कर सके, आप उनका सोल्यूशन सोच सके, आप खुद भी खड़े हो सके, दूसरों को भी खड़ा कर सके, अपने गम भी दूर कर सके और दूसरों के भी काम आ सके। क्योंकि ईमान ही ऐसी चीज है कि जिसके साथ इंसान मजबूत हो सकता है, अल्लाह की जात पे भरोसा और तवक्कुल ही ऐसी चीज है कि जिसके साथ, जिसके सहारे इंसान इन मुश्किलात को डील कर सकता है, निपट सकता है, और इनको मुश्किलात नहीं समझता बल्कि अपनी रूटीन के कामों को और अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाए रखता है।